हज़रत, ये आखिरी सवाल है क्योंकि अज़ान मगरिब का वक्त होता है। निकाह से पहले लड़का लड़की क्या फोन पर बातचीत कर सकते हैं या मुलाकात कर सकते हैं? निकाह से पहले मुलाकात करना तो बहुत बुरी बात है, क्योंकि मगनी हो चुकी होती है, रिश्ता लग चुका होता है, इसलिए उनको मुलाकात में कोई ज़्यादा तामुल नहीं होता। अब मुलाकात के बाद करीब होने में भी कोई ज़्यादा झिझक नहीं महसूस होगी, इसलिए ये तो बहुत बुरी बात है। रह गया मसला फ़ोन पर बात करने की, तो सिर्फ ये जानने के लिए कि दोनों ये जानने के लिए कि लड़की की आवाज़ और अंदाज और बोलने का तरीका क्या है, एक से दो मिनट ज़्यादा ज़्यादा किसी महरम के साथ औरत लड़की बैठी हो और उसके साथ वो बात फोन पर बात कर सकता है। अच्छा, इससे ज़्यादा नहीं। कोशिश करें कि एक मिनट डेढ़ मिनट के अंदर गुफ्तगु ख़त्म हो जाए। ये इजाज़त सिर्फ इसलिए है कि शौहर को ये मालूम हो जाए कि उसकी आवाज़ कैसी है, उसका अंदाज़ कैसा है और उसकी आवाज़ में सख्ती है या नरमी है, ये कैफियत वगैरह मालूम करने के लिए इतनी इजाज़त है कि एक मिनट में, सवा मिनट में, डेढ़ मिनट में वो बात कर ले। इसके बाद जब तक निकाह न हो जाए, रुख्सती न हो जाए, वो फ़ोन पर भी बातचीत ना करें, मुलाकात तो मना है।